और करणवीर के रिश्ते को लेके आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हालांकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि चुम और करणवीर के रिश्ते के ऊपर जो है बात हुई है, और तो और जो है इनकी टांग भी खींची है और इनको कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोला है, करणवीर को कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है कि भाई फोर्थ रिलेशनशिप आपको मुबारक हो। और फिर कहीं ना कहीं चुम ने जो है ये भी बात बोल दी है कि भाई मैं अपने 10 साल जिसके पास थी एक्स बॉयफ्रेंड उसी के पास जो है मैं वापस जाना चाहती हूँ। तो अब जो है जो आप लोगों ने प्रोमो देखा कि आपने कन्फ्रंट नहीं किया, आपने अपनी फीलिंग्स जो है वहां तक तो पहुंचा दी है पर आपने जो है ऑफिशियल नहीं बोला है। तो यानी कि आप प्यार करते हो, आप सब चीजें कर रहे हो, आप दिखा रहे हो कि हाँ मैं प्यार करता हूं, तो क्या ये मतलब कि इजहार करना इतना ज्यादा जरूरी हो गया है क्या? कभी कभार ऐसी चीजें होती, मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर अगर चुम भी इस चीज के लिए रेडी नहीं है या करणवीर भी इस चीज के लिए रेडी नहीं है, वो बस इस प्लेजर को जो है थोड़ा इंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो है इन चीजों को इंजॉय कर रहे हैं कि साथ में है और टाइम पास होना है और ज्यादा टाइम पास हो जाएगा। और एक मोहब्बत जो है वो बहुत ही प्यारी होती है और उसके ऊपर कमिटमेंट आनी जो है तब जरूरी हो जाती है जब आप कुछ समय जो है एक दूसरे के साथ बिता लेते हो और जब आप दिमाग और दिल से रेडी होते हो कि हाँ भाई मैं इससे शादी कर सकता हूँ, मैं उससे शादी कर सकता हूँ सकती हूँ, ये बातें जो है होती है। अभी इस घर में ना तो ईशा और अविनाश के लिए ये कन्फर्म करना जरूरी है कि भाई हाँ हम तो ब्लाइंडली प्यार में पड़ चुके हैं। देखिए प्यार में पड़ने वाले लोग जो है जो होते हैं वो बोल देते हैं, जो लोग एक दूसरे को लेके कुछ डाउट्स क्रिएट करते हैं अपने माइंड में वो लोग जो है ये बोल नहीं पाते। अभी देखिए चुम का भी कोई अपना इस तरीके से इस घर में है नहीं और करणवीर भी बाहर कैसा है उसको उसके बारे में पता नहीं। एक समझदार लड़की यही चीज करेगी कि करणवीर के पहले 2 शादियां हो चुकी हैं और रिलेशनशिप भी रह चुका है और अगर मैं रहूंगी तो अब चौथी रहूंगी, तो चुम जो है मस्ती में छठवां छठवां बोलती रहती है। पर यहाँ पर कि भाई आपने ऑफिशियल कुछ भी नहीं बोला है और अब आप फीलिंग्स जो है वो पहुंचा रहे हो उस तक, तो चुम भी बोल रही है कि नहीं आई रियली लाइक हिम बट वुच कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेटली यही चीज़ होगी ना कि भाई आई एम नॉट श्योर, मैं यहाँ पर कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहती हूँ, ऐसी कमिटमेंट नहीं देना चाहती, पर हाँ लाइकिंग है। जब वो चीज साफ तौर पे बोल रहे हैं, इवन ईशा और अविनाश भी बोल रहे हैं कि हाँ हम दोनों एक दूसरे को बहुत एक्सट्रीमली जो है पसंद करते हैं, बट दोस्ती वाला पसंद करते हैं हम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो लाइकिंग चलो नहीं बोल रहे हैं पर लाइकिंग दिखाई देती है, ये अंडरस्टूड होती हैं चीजें। यहाँ पर चुम भी जो है वो झुकाव है चुम का, करणवीर का भी है, बट हाँ एक दूसरे को लव यू बोल के एक दूसरे के साथ लवी डवी होके जो है वो नहीं रहना चाहते। चुम अभी कंफ्यूज है और एक कैमरा के सामने उसके भी दिमाग में कितनी सारी चीजें होंगी कि भाई मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, मेरा परिवार इस चीज को लेके आखिरकार क्या बोलेगा, 2 शादी हो चुकी है, उसकी 2 शादी टूट चुकी है और उसके ऊपर जो है बैकग्राउंड ऐसा है ऐसा है वैसा है। तो वो लड़की अपने आप को किसी रिलेशन में बंधन में बांधने से पहले, या लड़का भी किसी बंधन में बांधने से पहले अपने आप को एटलीस्ट सोचेगा, देखेगा, उसको समझेगा कैमरास के बगैर उस चीज़ को जो खुल के बोल पाए। बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी सारी चीज़ें खुल के बोलते नहीं हैं और बोलना नहीं चाहते हैं। तो क्यों इतना ज्यादा प्रेशर जो है एक लव एंगल के लिए डाला जा रहा है, क्यों इतने एफर्ट्स जो है एक लव एंगल को दिखाने के लिए डाले जा रहे हैं, भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता है कि इतने एफर्ट्स डालने चाहिए, जो जैसा है उसको वैसे रहने चाहिए। घर में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि उठा के जो है उनके ऊपर क्लास लगानी चाहिए, गेम चेंज करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज एक रियलिटी शो है, इनकी फीलिंग्स हम देख रहे हैं, नहीं करना चाहते भाई एक दूसरे को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, अभी कमिटमेंट नहीं देना चाहते, समझ गए हम बेवकूफ नहीं हैं, पर आप मतलब कि उनके मुंह में हाथ डाल के निकालोगे कि हाँ बोलो नहीं तो दूर हो जाओ, ये तो भाई फिर तो वो जालिम बाप वाली कहानी हो गई कि भाई तू अगर लड़की को मिलेगा तो तेरे को गोली से उड़ा दूंगा, तू अगर लड़के को मिलेगी तेरे को गला काट के मैं जमीन में गाड़ दूंगा, वैसे वाला मेकर्स जो है ईशा और अविनाश और चुम और करणवीर के साथ कर रहे हैं। क्या है आपका कहना बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।